स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम पार्ट टेस्ट 6 के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा बॉटनी में है, एमंग द फॉलोइंग बायोम्स मीन एनुअल रेनफॉल विल बी मैक्सिमम इन। बायोम्स रेनफॉल विल बी मैक्सिमम, तो ऐसे कौन से रीजन्स यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन से बायोम औसत वार्षिक वर्षा अधिकतम होगी, तो जैसा कि हम जानते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, 4 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा जो वर्षा है या सबसे ज़्यादा रेन है इस रीजन में होती है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा इसमें, 4 वाला सही रहेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, हमारे पास दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, टेम्परेट अफेक्ट्स द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जो टेम्परेट रीजन होता है वो अफेक्ट्स क्या करता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। हम जानते हैं कि टेम्परेट का टेम्परेचर और ट्रॉपिकल का चेंज होता है, डिफरेंट होता है, तो इसमें जो फंक्शंस है ऑर्गेनिज्म का वो हमारा क्या होगा, परिवर्तन करेगा, चेंज करेगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स आल्सो हैवली डिपेंडेंट ऑन द वाटर। बिल्कुल सही है, जितना ज़्यादा वाटर होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारे प्रोडक्टिविटी होगी और डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्लांट्स का। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या आएंगे यहाँ पर, राइट आएंगे, करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, बर्ड्स कैन टॉलरेट लार्ज चेंजेस इन टेम्परेचर दे आर। हम जानते हैं कि जो बर्ड्स होती हैं वो लार्ज टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती हैं, मीन ज़्यादा टेम्परेचर भी रह सकते हैं और कम टेम्परेचर भी रह सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे पहला ऑप्शन दिया है यूरीथर्मल्स, एक्टोथर्मस, स्टीनोथर्मल्स, बोथ 1 और 2। तो एक्टोथर्मस तो होगा नहीं, ठीक है, स्टीनोथर्मल में नहीं होगा, उनको बेटा बोलते हैं यूरीथर्मल, बोलते हैं क्या कहते हैं, यूरीथर्मल। तो हमारा पहला ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करते हैं, इन द एक्वेटिक एनवायरमेंट, जो हमारा जलीय वातावरण होता है, द थ्राइविंग ऑफ बेंथिक एनिमल्स डिटरमाइंड बाय। बेंथिक एनिमल्स जो डाउन में रहते हैं, नीचे रहते हैं जलीय वातावरण में, नितलीय, तल से नीचे डाउन साइड में, जानवरों का फलना फूलना निर्धारित करता है, किया जाता है किसके द्वारा होता है, देखो क्वालिटी ऑफ लाइट, नो, क्योंकि डीपर में आप क्वालिटी ऑफ लाइट पहुँच नहीं सकते ज़्यादा डीपर में, सीजनल वेरिएशन ये भी नहीं होगा, लाइट इंटेंसिटी नहीं, तो क्या होगा, सेडिमेंट करेक्टरिस्टिक्स, कितना सेडिमेंट रेट वहाँ पे है, कितना सेडिमेंटेशन है, वो डिपेंड करता है, वो आपका क्या रोल प्ले करेगा कि बेंथिक एनिमल्स वहाँ पर कैसे ग्रो करते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही जाएगा, दूसरा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सी इन पार्ट्स पर 1000। सीधा सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपका जो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, जो ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई, ऑप्शन हमारा ये 32-35 पार्ट्स पर 1000, 105 का हमारा दूसरा वाला जो ऑप्शन है, 32-35 पार्ट्स पर 1000, ठीक है, सीधा सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द इनएबिलिटी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स टू इनहेबिट पोलर रीजन्स। देखो जो पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते, उसका रीजन किसने दिया था, उसका क्या कारण था, एलन्स रूल जो पढ़ते हैं हम, तो देखो उसमें क्या था, पहला स्टेटमेंट, लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रेंट्स इन द पोलर रीजन्स, वेरी हाई टेम्परेचर इन द पोलर रीजन्स। तो लास्ट वाले जो तो ऑप्शन हमारे बनेंगे नहीं, हाई टेम्परेचर की मत बात ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा, देखो स्मॉल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, ना उसका था लार्ज सरफेस एरिया देन वॉल्यूम, आप लाइन देखना, लार्ज सरफेस एरिया देन वॉल्यूम, जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, पहला ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट फाउंड इन यू प्लैंकटॉन्स इज कॉल्ड। जो जंतु में उपस्थित निलंबित विकास के एक चरण को कहा जाता है। हम जो बात करते हैं सस्पेंडेड
की स्टडी करते हैं कि जो एडवर्स कंडीशन जो होती है, एक्सट्रीम कंडीशन में जब ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, तो उसमें हमारे जो प्लंकटॉन्स कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं? तो हाइबरनेशन नहीं, इसके लिए हाइबरनेशन नहीं होता है, एस्टिवेशन भी नहीं होगा, डायापॉज होगा। क्या होगा? डायापॉज। ठीक है, हाइबरनेशन विंटर स्लीप कहते हैं, एस्टिवेशन समर स्लीप कहते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा? डायापॉज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेट ट्रू टी और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या, स्टेटमेंट क्या दे रखा हमारा ऑप्शन? प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म्स टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर। होता ही नहीं है। देखो, प्लांट्स के बाद कोई ऐसी मैकेनिज्म थोड़ी ना जो अपने इंटरनल टेम्परेचर कंट्रोल कर लेगा। तो पहला जो हमारा क्या दे रखा है, फॉल्स है, एफ आई का। सक्सेस ऑफ मैमल्स इज लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है। देखो, जो मैमल्स हैं आज हम देखते हैं, जो मीन्स हर जगह रह सकते हैं, वो दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, अपने जो इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो दूसरा वाला जो हमारा बी है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। स्नेल्स एंड फिश गो इनटू एस्टिवेशन। अभी हम बात कर रहे थे एस्टिवेशन मीन्स जो हमारी समर स्लीप होती है, तो स्नेल्स एंड फिश दोनों ही ऑप्शन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो हमारा जो सी है ये भी ट्रू रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा जाएगा? सेकेंड वाला ऑप्शन इसमें सही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पर्सन एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस शोज। देखो, एल्टीट्यूड पे जा रहा है, हाई एल्टीट्यूड पे जा रहा है, तो वहां पर पर्सन क्या शो करेगा? जैसे कि आप हिंदी में, उच्च तुंगता बीमारी का अनुभव करने वाले व्यक्ति में क्या होगा? कम आरबीसी उत्पादन, मीन्स लोअर आरबीसी प्रोडक्शन होगा, उसमें आरबीसी कम बनेगी। दूसरा, डिक्रीज इन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, डिक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, नॉर्मल हार्ट बीट। देखो, नॉर्मल हार्ट बीट तो पॉसिबिलिटी नहीं है। हार्ट बीट तो आपको मालूम है, जैसा आप जाओगे बढ़ेगी, सांस फूलेगा आपका ना, ब्रीथिंग रेट बढ़ती है, ये भी रॉन्ग हो गया। लास्ट वाला ऑप्शन लो आरबीसी प्रोडक्शन, इतनी ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो डिक्रीज इन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन कौन सा जाएगा? सेकंड जाएगा। क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग है, क्योंकि आपको मालूम है आप हाई जाओगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, ऑक्सीजन कम होगी तो उसका जो बाइंडिंग है, हीमोग्लोबिन जो बाइंड करता है, वो उसका जो कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा? सेकंड जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन आर एक्सपेक्टेड बाई ओपुंचिया टू थ्राइविन डेजर्ट। डेजर्ट में ओपुंचिया क्या करता है, कैसे अपने आप को सर्वाइव करता है? तो ओपुंचिया टू थ्राइविन डेजर्ट क्या आएगा? इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, नो, फैट ऑक्सीडेशन नहीं करता। लीव्स मॉडिफाइड इंटू स्पाइन, बिल्कुल सही बात। जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ताकि जो सरफेस एरिया है, लीव्स का सरफेस एरिया कम हो जाए और जो ट्रांसपायरेशन है उसका रेट कम हो जाए। डेजर्ट में जैसे कि हम जानते हैं पानी की कमी होती है, तो ट्रांसपायरेशन में ज़्यादातर जो प्लांट का वाटर लॉस होता है, अप्रोक्सी 98% लॉस होता है, तो उसको बचाने के लिए क्या करती है, वो लीव्स को चेंज करती है किसमें? स्पाइंस में चेंज करती है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाएगा, जहाँ पे ये तो हो ही नहीं सकता, क्यूटिकल के थिक लेयर होती है ना, ये तो होगा ही नहीं। प्रोडक्शन ऑफ ब्रॉड लैमिना, नो, ये भी अपोजिट हो गया। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर बिलो गिवन पॉपुलेशन एज पिरामिड। एक हमारे सामने एज पिरामिड दे रखा है और स्टेटमेंट हमारे सामने है। पहला स्टेटमेंट, सच पॉपुलेशन इज स्टेबल, बिल्कुल स्टेबल है। देखो, आप प्री रिप्रोडक्टिव और देख सकते हैं, दोनों यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो स्टेबल है, पहला स्टेटमेंट सही है। ग्रोथ रेट इज ऑलमोस्ट जीरो, ग्रोथ रेट बिल्कुल जीरो है, आप देख पा रहे हैं कि नहीं बढ़, इंक्लाइन नहीं कर रही, जहाँ पे नहीं बढ़ रही है ना। तीसरा स्टेटमेंट, रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली इक्वल इन नंबर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल का जो शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इससे देखो मैच नहीं कर पा रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट वो क्या हो जाएगा, आपका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट है। द पिरामिड इज बेल शेप, बिल्कुल सही है, बेल शेप पिरामिड है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन हमारा जाएगा सही तीसरा वाला, जो थर्ड ऑप्शन है हमारा, जो क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सही नहीं, तो सही नहीं कौन सा वाला हमारा? तीसरा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव जब इंडिविजुअल आप देखोगे,
इक्वल नंबर में नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, कितने जो जलीय पारितंत्र के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। तो पॉन्ड एक हो गया, लेक सेंचुरी हो गया हमारा, लैगूंस, वेटलैंड्स, कितने हो गए टोटल, फाइव। तो आंसर कौन सा जाएगा हमारा, तीसरा जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट नहीं है यहाँ पे ना। फॉरेस्ट क्या होता है हमारा, लैंड इकोसिस्टम होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है। तो हमारा जो एक्वाटिक कौन सा जाएगा, ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही जाएगा इसमें, पांच सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग मैच। रॉन्ग मैच देखना हमें यहाँ पे, तो क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन बिल्कुल सही है, फाइव स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स कंपटीशन का एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है, टाइगर एंड डियर प्रेडेशंस बिल्कुल सही है, सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब। देखो ये एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल, ये एग्जांपल किसका है, म्यूचुअलिज्म। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, चौथा ऑप्शन हमारा होगा, ठीक है। ऊपर वाले तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पे हमारे, ये रॉन्ग हो जाएंगे, चौथा ऑप्शन हमारा बनेगा। 114 की बात करें क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रैक्शन इज एग्जिबिटेड बाय फिग एंड वास्प। देखो फिग और वास्प की बात करें तो इसमें क्या है कि सीधा सीधा कहां सा हमारा इंट्रैक्शन होता है, म्यूचुअलिज्म होता है, दोनों बेनिफिट है, ठीक है। फिग और वास्प दोनों ही क्या है, आपस में साझेदारी करते हैं, कॉमर्सलिज्म नहीं होगा, पैरासिटिज्म नहीं होगा और कंपटीशन भी नहीं होगा। तो हमारा क्या है, म्यूचुअलिज्म इसमें ऑप्शन जाएगा। इन ब्रूट पैरासिटिज्म कुकू, कुकू इज क्या है एंड क्रो इज। देखो कुकू क्या आपका पैरासाइट जो अंडे देता है ना, देखो उसके क्रो के तो आपका उसमें अंडे देता है घोंसले में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा, पैरासाइट, पैरासाइट नहीं, पैरासाइट ए, पैरासाइट बी, होस्ट, बिल्कुल सही, होस्ट, होस्ट ये भी नहीं होगा हमारा, होस्ट पैरासाइट ये भी नहीं होगा। होस्ट होता है इसकी बॉडी पर जैसे यूटिलाइज करते हैं इसमें, तो हमारा पैरासाइट क्या है, कोकू है, ये अंडे देगा, ठीक है, क्रो के ऊपर, तो बी होस्ट वहां पे होगा, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जाएगा। नेक्स्ट, सिक्रीशन ऑफ विच केमिकल प्रिवेंट्स द ग्रेजिंग ऑफ कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस जो देखते हैं, देखो तो इसमें केमिकल कौन सा है, केमिकल्स आपका बिल्कुल कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक हार्ट को एक्टिविटी को स्टॉप करेगा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड से वो, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन नहीं, अल्कोहल नहीं, सिट्रिक एसिड भी नहीं है, तो कौन सा है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सीधा सा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इक्वेशन टू रिप्रेजेंट वर्होस्ट फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ। देखो यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ को कौन रिप्रेजेंट करता है हम, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का हमारा क्या है, dn अपॉन dt इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k, ठीक। ये भी नहीं होगा, देखो प्लस का साइन होता ही नहीं है ना, ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, ये भी नहीं होगा, तो इसमें rn नहीं दिया हुआ, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा हमारा, चौथा ऑप्शन सही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज फॉर फ्लोर बीटल। फ्लोर बीटल के लिए क्या आएगी वैल्यू, फ्लोर बीटल की हमारी क्या जाती है, 0.12, ये नॉर्वे रेट के लिए हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये ह्यूमन का जो हमारे ऑप्शन नहीं जाएगा, वैसे ऑप्शन दे रखा है। तो पहला ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा, 0.12, किसके लिए, फ्लोर बीटल के लिए, हमारी इंट्रिंसिक जो आर की वैल्यू है वो हमारी 0.12 जाएगी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द बर्थ रेट पर ईयर इफ इन अ पॉन्ड देयर वर 10 लोटस प्लांट्स लास्ट ईयर एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 2 न्यू प्लांट्स आर एडेड इन द करंट ईयर। देखो जो हमारी इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, 10 है, 10 इनिशियल पॉपुलेशन, कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए, तो 2 बाई 10 कितना आ जाएगा, 2 बाई 10 निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर चला जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, है ना। देखो पहले भी जब क्वेश्चन हुआ था उसमें से पूछा गया था क्या होता है लार्ज सरफेस एरिया देन वॉल्यूम, तो इसमें क्या है, जो रूल किसने दिया था, जरूर दिया हमारा एलन्स रूल है, कौन सा रूल है, एलन्स रूल। इन ऑर्डर टू एस्केप विंटर कंडीशन बियर्स अंडरगोस, देखो विंटर कंडीशन यहां पे आ गई है, विंटर कंडीशन के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, विंटर कंडीशन के लिए हम टर्म यूज करते हैं आपका हाइबरनेशन यूज करते हैं,
क्या यूज करते हैं हम? हाइबरनेशन यूज करते हैं। एस्टिवेशन समर स्लीप के लिए होता है, है ना। तो डायापॉज जो प्रोलॉन्गेशन यूज करते हैं। माइग्रेशन आपका जो करते हैं, जैसे वो माइग्रेट करते हैं, जैसे आपने पढ़ा बर्ड्स माइग्रेट करती हैं साइबेरिया टू, वो नहीं। तो हमारे जो ऑप्शन कौन सा बनेगा? चौथा ऑप्शन बनेगा, हाइबरनेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में हमें क्या मिलता है उसको देखते हैं। हाई स्पीसीज रिचनेस, बिल्कुल सही, ज्यादा स्पीसीज मिलेगी हमें, बहुत ज्यादा वैरायटी है वो स्पीसीज मिलेगी। हाई एंडेमिज्म, बिल्कुल ऐसी स्पीसीज जो कि खतरे पे है, एक्सटिंक्ट हमारी, वही मिलती है हमको। हाई डिग्री ऑफ एंडेंजर्ड, मिलती है, बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस, बिल्कुल सही, तभी तो हम प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे हैबिटेट लॉस ज़्यादा हो रही है, तभी तो हॉटस्पॉट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो हॉटस्पॉट में हमारे सारे ऑप्शन सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 123 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड स्टेज इन हाइड्रोसियर, जो हमारा हाइड्रॉक सक्सेशन होता है पानी में, वाटर में, उसमें थर्ड स्टेज कौन सी आती है? देखो, फाइटोप्लांकटन से तो पहली होगी, है ना, जैसा हम जानते हैं सबसे पहले जो होगा हमारे फाइटोप्लांकटन होगा, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकती, मॉस भी एक्वाटिक के केस में नहीं होगा। रूटेड जो समर जो ट्री सेकंड होती है, तो हमारा कौन सा पूछा जा रहा है? थर्ड वाला पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा? पहला ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। फ्री जो फ्लोटिंग होती है हमारी, वो थर्ड स्टेज हाइड्रोसियर में देखने को मिलती है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट सही हैं देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, प्रीडेटर्स आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, बिल्कुल सही है। प्रीडेटर्स है वो जो मेंटेन करता है स्पीशीज डाइवर्सिटी, क्योंकि प्रे का नंबर तो बढ़ जाएगा। डीकम्पोजिशन इज लार्जली एंड ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन ज्यादा होता है। नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन जीएफसी इज नेवर रिस्ट्रिक्टेड, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या है कि वो आगे पीछे ना हो। सम ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ डीएफसी आर प्रे टू जीएफसी ग्रेजिंग फूड चैन के अंदर जो एनिमल्स है वो मीन्स रिलेटेड होते हैं प्रे टू द जीएफसी, जो डीएफसी के मेंबर क्या है आपके समुदाय ऑफ डीएफसी और प्रे टू जीएफसी, दोनों इंटरलिंक होती हैं, डीएफसी और जीएफसी। तो हमारे तीन ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हैं, स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो कौन सा जाएगा हमारा? पहला ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। तो हमारा 144 का कौन सा हो गया? पहला ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं। द ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कब दिया गया? तो 125 आपको सीधा सीधा आंसर हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लास्ट कितना है 90-80 पे दिया गया। तो 124-5 का हमारा आंसर कौन सा बना? तीसरा ऑप्शन बना। इन इक्वेशन dN dt इज इक्वल टू r एंड k माइनस n अपॉन k, हियर k इज डिफाइंड बाय, k क्या है? कैरिंग कैपेसिटी, कितनी कैरी करता है, और ठीक है नेचर कितना कैरी करता है किसी पॉपुलेशन को। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी अचीवेबल अंडर अवेलेबल रिसोर्सेज, कितने रिसोर्स अवेलेबल है, बिल्कुल सही बात है। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हैबिटेट, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम इंट्रेंसिंग रेट ऑफ ग्रोथ, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या है ऑप्शन? दोनों सही है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा जाएगा? 126 का तीसरा ऑप्शन जाएगा, बोथ 1 and 2 ऑप्शन जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन शोज इन दिस ग्राफ बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स एक्स एंड वाई? देखो एक्स एंड वाई दो ऑर्गेनिज्म का आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? इंट्रैक्शन दे रखा है, ठीक है। तो एक में हमारा नंबर देखो, ये हमारा जो वाई एक्सेस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम के अकॉर्डिंग एक ग्राफ डाउन जा रहा है, दूसरा जो हमारी वो क्या जा रहा है? ऊपर की ओर, प्लीज अपोजिट चल रहा है। तो म्यूचुअलिज्म में ऐसा होगा ही नहीं, म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट मिलता है, ठीक है, ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा। कॉमनसालिज्म एक को बेनिफिट दूसरे कुछ होता ही नहीं, तो इसमें ये मिलेगा। पैरासिटिज्म देखो, जब मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा? प्रेडेशन, जो प्रेडेटर्स होते हैं जब प्रे को खाते हैं तो प्रे का नंबर कम होता है, प्रेडेटर्स का बढ़ता है, तो बीस एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे जी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा?
प्रेडिक्शन सही जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीजेस ड्यूरिंग सक्सेशन, सक्सेशन जब होता है निम्न केस में अनुक्रमण के दौरान वृद्धि नहीं होती है, किस में होगा? स्पीशीज डाइवर्सिटी, भाई बिल्कुल सही बात, बढ़ती है स्पीशीज, ठीक है, जब आप देखते हो शेर की बात करते हो तो अकॉर्डिंग टू द टाइम बढ़ेगा उसमें। स्टेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी, स्टेबिलिटी भी आती है, तभी तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाएगी हमारी लास्ट वाली, ठीक है, स्टेबिलिटी भी हमारी वहाँ से बढ़ती है। निके स्पेशलाइजेशन होता है, डज नॉट कौन सी नहीं होती है हमारी, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी हमारी वहाँ पे नहीं होती, तो कौन सा ऑप्शन हमारा जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन वहाँ पे क्या होगा, सही जाएगा। डिकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया आर क्या है? देखो फंजाई की बात करें, ऑटोट्रॉप्स तो होगा ही नहीं, सीधे सीधा एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन में, दोनों को साथ में लेना है, डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, हेटरोट्रॉप्स बिल्कुल होते हैं, सेपरट्रॉप्स बिल्कुल सही बात, केमोट्रॉप्स ऐसा नहीं, केमोट्रॉप्स नहीं हो सकती फंजाई, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा, बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन हमारा वहाँ पे 129 का थर्ड ऑप्शन हमारा सही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, कौन सा ऐसा जोड़ा है जो सही मिलान नहीं है इसका, पहला वाला है हाइड्रॉक सक्सेशन वाटर इज कंडीशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिरार्क सक्सेशन जेरी कंडीशन में होता है, जो पाइनर्स कम्युनिटी होती है सबसे पहले पाइनर स्पीज बनती है वहां पे, कम्स फर्स्ट होती है ना, जो पुरोगामी समुदाय पहले सबसे पहले आता है, तो कौन सा मिसमैच है हमारा, चौथा वाला, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी अक्कर सक्सेसिवली, ऐसा है ही नहीं, सक्सेसिवली एक्सेस नहीं हो सकती, तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बनेगा कोई मिसमैच पेयर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एमंग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी द फास्टेस्ट, डिकम्पोजिशन कहां पर फास्ट होगा, देखो डिकम्पोजिशन मीन्स डिकम्पोजर वर्क ज्यादा करेंगे तो एंटार्क्टिक रीजन में पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, इतनी ठंड होती है कहां करेंगे, ड्राई एरिया में वाटर कमी हो गई, अल्पाइन रीजन भी नहीं होगा वो भी बहुत नेगेटिव चला टेम्परेचर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा 131 का पहला ऑप्शन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पूरा सुटेबल एनवायरनमेंट होता है, डिकम्पोजर्स का रेट क्या होगा वहां पे, ज्यादा डिकम्पोज करेंगे डिकम्पोजिशन ज्यादा मिलेगा, तो पहला ऑप्शन सही जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे 132 क्वेश्चन नंबर की, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रीजन ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ एमिंगडॉन टॉर्टोइस इन गैलापागोस आइलैंड कुड बी, तो जो एमिंगडॉन टॉर्टोइस था एक्सटिंक्ट हुआ था इस गैलापागोस आइलैंड पे, क्या रीजन था उसका, किन कारणों से हुआ था, तो पैरासिटिज्म नहीं था वहां पे, क्या था, कंपटीशन था, क्या कंपटीशन किसके बीच में था, गोट आ गई थी वहां पे ना, जैसे हम जानते हैं वहां पे जो गोट इसके साथ कम्पीट किया था, क्योंकि उसकी जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज्यादा थी गोट की, जिस वजह से वहां पे कंपटीशन हुआ था, तो एमिंगडॉन टॉर्टोइस क्या हुआ था वहां पे, एक्सटिंक्ट हुए थे, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, सेकंड पेरिग्रेशन, ये भी नहीं है, एमेसालिज्म ये भी हमारा नहीं जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन सही जाएगा, प्रतिस्पर्धा जो है ये हमारा ऑप्शन इसमें सही जाएगा। सेलेक्ट द सस्पेंडेड मटेरियल इन डोमेस्टिक सीवेज, सस्पेंडेड मटेरियल हमें डोमेस्टिक सीवेज में बताना है, सस्पेंडेड जो मीन्स आप थोड़ा सा उसे मिक्स जब करोगे, सस्पेंडेड मिक्स करोगे जब आप इस तरीके से पूरा, जैसे सॉयल को आप डालते हो पानी के अंदर सस्पेंडेड हो जाती है, तो सॉयल क्या है, किसकी बनी होती है, सैंड सिल्ट एंड क्ले से मिलकर बनी होती है, तो हमारा पहला ऑप्शन यहां पे सही जाएगा, ठीक है। 134 एक्स इज, एक्स क्या है यहां पे, ठीक है, जो एक्स जहां पे आप देख पा रहे हैं ये एक्स क्या चीज, तो एक्स आपको मालूम है यहां पे इलेक्ट्रॉन जो रेडिएट करता है यहां पे, नेगेटिव चार्ज जो देगा यहां पे, तो जो नेगेटिव चार्ज देगा, ठीक है, कौन देता है वो, चार्ज देगा ना यहाँ पे इसको, डस्ट पार्टिकल को, तभी तो आगे जाके यहाँ पे अटैच होंगी इसके साथ ना, तो इसको कहलाते हैं हमारा क्या करेगा यहाँ पे, कोरोना डिस्चार्ज यहाँ पे होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा ही नहीं, मतलब ही नहीं, लाइन स्प्रे नो, कलेक्शन ऑफ प्लेट ग्राउंड नो, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, कोरोना डिस्चार्ज, वहाँ पे इस तरीके का नेगेटिव चार्ज देंगे जिससे कि डस्ट पार्टिकल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आगे जाके जो हमारे
जो प्लेट्स लगी होती हैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा इनका, डस्ट पार्टिकल का डर्टी वो वहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो हमारा कोरोना डिस्चार्ज इसका आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट लेवल इन इकोलॉजिकल हायरार्की दैट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली बायोटिक फैक्टर्स। देखो बायोटिक फैक्टर्स की बात करनी है, यहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स दो डिनोट कर रहा है, पॉपुलेशन और कम्युनिटी, लेकिन हाईएस्ट लेवल पूछा है, ज्यादा सबसे कहाँ होगा, तो सीधा सीधा बात आ रही है कम्युनिटी की बात आ रही है। सिर्फ किसकी बात की उन्होंने, ओनली बायोटिक फैक्टर्स, ओनली बायोटिक फैक्टर की बात की, तो कम्युनिटी यहाँ पे आंसर जाएगा। निम्न में से किस खाद्य श्रृंखला में सूक्ष्म जीव उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन का अपघटन करते हैं। फूड चेन इज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड फाउंड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। देखो फूड चैन, ऐसी फूड चैन पूछी जा रही है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड, किसके द्वारा बनाया गया, प्राइमरी प्रोड्यूसर द्वारा बनाया गया। किसमें हो सकता है, पैरासिटिक फूड चेन, नो, प्रेडेटर्स, नो, एक्वेटिक फूड चेन, नो, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा, डिट्रस्टस डीएफसी में अंदर पड़ते हैं, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर ने बनाया हुआ फूड है किसके द्वारा टूटेगा, डिट्रस्टस फूड चेन के द्वारा टूटेगा, तभी तो इंटरलिंक रहती है जेएफसी और डीएफसी। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन जाएगा। आ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137 को, इस पाई चार्ट यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है और इसमें हमें मेंशन देखना कि ए बी सी और डी किसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखते हैं ए, जैसा कि हम जानते हैं क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में दिया, तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है, जैसा हम जानते हैं कौन सी होती है, CO2 होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा CO2 होगी, फिर उसके बाद सेकंड नंबर है हमारा CH4 जो मीथेन होती है वो आती है, देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, देन लास्ट में नाइट्रस ऑक्साइड जो N2 है वो होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाएगा। इसमें इन द गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉस्फोर साइकिल आइडेंटिफाई ए बी सी डी, आइडेंटिफाई करना हमको ए बी सी डी। ए क्या है, देखो कंज्यूमर है, कंज्यूमर से डाउन में क्या हो रहा हमारा, देखो कंज्यूमर से जब इसकी बॉडी जब हमारी डेड होगी कंज्यूमर की, तो किसमें, इसमें देखो प्रोड्यूसर भी यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी डेड बॉडी आ रही है ना यहाँ से, तो यहाँ पे क्या कंज्यूमर ए क्या होगा, डिट्राइटस होगा, यहाँ क्या होगा, डिट्राइटस। ठीक है, ए डिट्राइटस हो गया हमारा, चलो इसमें दिया है, इसमें ऑप्शन में दिया है। ठीक है, बाकी दिए दो ऑप्शन बनते ही नहीं, इसमें देखते हैं, आगे देखते हैं बी क्या है, यहाँ से बी, बी रॉक हो सकता है ना, ऐसा है ही नहीं, ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। तो बी क्या, वेदरिंग प्रोसेस से सॉल्यूशन बनता है ना, बी इसकी बात की है इन्होंने, बी है ना, तो बी क्या होगा, वेदरिंग प्रोसेस, तो ऑप्शन कौन सा हमारा जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही जाएगा, सेकंड वाला, क्योंकि ए हमारा यहाँ पे डिट्राइटस हो जाएगा, बी वेदरिंग प्रोसेस से सॉइल बनती है हम जानते हैं ना, तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीटर यहाँ से आ रहा है, लीटर बोलते हैं जो अमाउंट ऑफ प्रोड्यूसर आता नीचे वो। नेक्स्ट देखते हैं 139, इकोलॉजिकल नीच ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज, किसको रिप्रेजेंट करती है, एक जीव का पारिस्थितिकी निके क्या होता है, इट्स कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस मैक्सिमम, ज्यादा रिप्रोडक्शन करना होता है, दूसरा है द फिजिकल पोजिशन एंड फंक्शन रोल ऑफ अ स्पीसीज विद इन द इकोसिस्टम, बिल्कुल सही कह रहा है, ऑप्शन बिल्कुल सही, ज्यादा रिप्रोडक्शन करना नहीं होता है, मीन्स अपने आप को फंक्शनल रोल प्ले करना वहां पर, फिजिकल पोजिशन एंड फंक्शनल रोल। ठीक है, फिजिकल पोजिशन ले रहा है एक, तो दूसरा फंक्शनल रोल कर रहा है किसी इकोसिस्टम के अंदर, फिजिकल एरिया कवर्ड बाय ऑर्गेनिज्म, नो, कैपेसिटी ये भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। मैच द फॉलोइंग, फॉलोइंग मैच करना हमको यहाँ पे, तो 140, तो सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, डोडू, डोडू कहां से लेगी, मॉरिशियस चला जाएगा, डोडू फॉर्म मॉरिशियस। क्वागा कहां से आएगा हमारा, क्वागा फॉर्म अफ्रीका, पहला ऑप्शन जाएगा। थाइलेसीन, थाइलेसीन फ्रॉम हमारा कहाँ से चलेगा, थाइलेसीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है, स्टेलसी का और सिया, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? ए का सेकंड, ए का सेकंड ये हो गया हमारा, बी का फर्स्ट ये हो गया, सी का हमारा फोर ये हो गया, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा। आगे देखते हैं, स्पीसीज ए माइनस नेगेटिव एंड स्पीसीज बी जीरो, सोच द फॉलोइंग। देखो एक को नुकसान हो रहा है, एक को नुकसान है, दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ऐसे इंट्रैक्शन को क्या कहते हैं जिसमें एक स्पीसीज को नुकसान होता है, दूसरे को कुछ भी नहीं है ना, ना तो नुकसान है ना फायदा है। तो अगर हम प्रेडेशन देखें, ऐसा नहीं उसमें एक बेनिफिट होती है, ऑप्शन एलिमेंट म्यूचुअलाइज में दोनों बेनिफिट होते हैं, कंपटीशन में दोनों माइंड्स में जाते हैं, तो कौन सा जाएगा ऑप्शन इसमें? पहला ऑप्शन सही जाएगा, एम एस सॉलिस। ठीक, मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू, पहले कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ मैच करना हमें। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो अमरबेल जो कसकटा होती है, ये किसका एग्जाम्पल है? जैसा हम जानते हैं पोलो पैरासाइट, ठीक है। फिग ट्री और वास्प का हमने अभी पढ़ा था इंट्रैक्शन क्या होता है, दिस इज द म्यूचुअलिज्म, ठीक है। लाइंस जब पढ़ते हो जा तो क्या है इसका, सी जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बनना बनना यहाँ पे? ऑप्शन हमारा 142 का बनेगा चौथा, ठीक है। फर्स्ट का हमारा क्या है यहाँ पे, बी, फर्स्ट का बी हो गया हमारा, सेकंड का क्या हो गया हमारा, सी, और थर्ड का क्या हो गया हमारा, कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है। वेयर द टू इकोसिस्टम ओवरलैप्स ईच अदर द एरिया इज कॉल्ड, यहाँ पे दो इकोसिस्टम ओवरलैप करते हैं, ठीक है, ओवरलैप करते हैं, उस एरिया को क्या कहते हैं, ठीक है। निके होगा नहीं, एज इफेक्ट भी नहीं होगा, इको टाइप्स नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, इको टोन कहते हैं, कहते हैं इको टोन कहते हैं, ऐसा एरिया जहां पर दो इकोसिस्टम एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है, उसको इको टोन बोला जाता है। नेक्स्ट, कंपटीशन फॉर फूड लाइट एंड स्पेस इज मोस्ट सीवियर इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन सेम एरिया, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन डिफरेंट एरिया, डिफरेंट एरिया में दोनों स्पीसीज मिलती हैं, ग्रो कर रही हैं, ऐसा नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। डिस्टेंटली रिलेटेड, दूर से रिलेटेड किसी एक एरिया में आ गए तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन डिफरेंट हैबिटेट, ये भी नहीं। ऑप्शन कौन सा मीन्स, एक एरिया में दो स्पीसीज बिल्कुल रिलेटेड है, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन सेम एरिया, क्या शो कर रहा है ज्यादा, किसके लिए कॉम्पिटिशन होगा, फूड लाइट एंड स्पेस के लिए ज्यादा कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। आगे देखते हैं, व्हाट इज द ट्रू फॉर की स्टोन स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज ऐसी स्पीसीज जिसको अगर किसी हम इको किसी हम एनवायरमेंट से अगर बाहर निकाल दें, किसी हॉटस्पॉट से बाहर निकाल दें, तो क्या होगा, वहां का जो इफेक्ट, जो बायोमास है, जो उसका मीन्स कम्युनिटी है, उसका नंबर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन की स्टोन जो स्पीसीज का नंबर बहुत कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन जा रहा है, पहला ऑप्शन मोर इन नंबर, ज्यादा नंबर होता नहीं इनका, की स्टोन है ना, नंबर बहुत कम होता है इनका, मोर इन नंबर और बायोमास लेस इन्फ्लुएंस, ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, लेस इन नंबर और बायोमास मोर इन्फ्लुएंस ऑन द कम्युनिटी, बिल्कुल सही बात, बहुत नंबर इनका कम होता है, लेकिन जब रिपीट प्रॉपर हाइपोथेसिस पढ़ते हैं जब हम, ठीक है, तो वहां पे जो इम्पोर्टेंस ऑफ की स्टोन की हमें वहां पे समझाया गया उस थ्योरी के अंदर, तो वहां पे नंबर बहुत कम होता है, ऐसी चीज ज्यादा कम्युनिटी को क्या करती है, इफेक्टेड करती है, अगर वहां से वो खत्म हो जाती है तो लेस इन नंबर होगा इनका और ज्यादा इन्फ्लुएंस किसको करेगा, कम्युनिटी को करेगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा, जब भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स आर चेंज विद एल्टीट्यूड एंड लैटीट्यूड, देखो एल्टीट्यूड होगा, लैटीट्यूड के अकॉर्डिंग जाते हैं तो क्या क्या बढ़ता है, देखो टेम्परेचर आपका जो है बिल्कुल सही बात है, चेंज होता ही है, ठीक है, स्पीसी डाइवर्सिटी भी चेंज होती है, जब हम पढ़ते हैं इक्वेटर से लेकर पोलर एरिया में डिक्रीज होता है ना, स्पीसी कंपोजिशन जब भी हमारा चेंज होता है, स्पीसी कंपोजिशन भी आगे पीछे होती है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, 146 का ऑप्शन जाएगा हमारा, कौन सा वाला, फोर ऑप्शन सही जाएगा, जब तीनों ऑप्शन हमारा ये नहीं, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही जाएगा हमारा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147 को, कितने कथन गलत हैं,
हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है, इन नेचर टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड नेवर कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेस। ऐसा नहीं, अनरिलेटेड स्पीसीज भी कंपटीशन कर सकती, ठीक है। जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन में देखा था जो एबिंगडन टॉर्टाइज और गोट का था, दो डिफरेंट स्पीसीज ने कंपटीशन वहां पे किया था। तो पहला वाला जो हमारा स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं, इन कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन द सुपीरियर स्पीसीज एलिमिनेटेड द इन्फीरियर वन। बिल्कुल सही बात, जो सुपीरियर होगी वही वहां पे ग्रो करेगी, अपने आप को सर्वाइव कर पाएगी, है ना। तो इन्फीरियर वहां से क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारा जो है सेकंड वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है, यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सेकंड वाला। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन कॉम्पिटिटिव रिलीज द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ इन्फीरियर स्पीसीज एक्सपेंड्स ऑन रिमूवल ऑफ सुपीरियर। अगर सुपीरियर को रिमूवल कर दिया जाए तो भाई इन्फीरियर का नंबर बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लास्ट क्या, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जो गॉसेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, वहां पर अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तब जाके जो आपकी इन्फीरियर जो स्पीसीज है एलिमिनेट होगी, वहां से एक्सक्लूड होगी। यहां पे कंडीशन क्या दी हुई है, अनलिमिटेड दी हुई है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या हो, कौन सा ऑप्शन जाएगा, दो हमारे रॉन्ग हो गए, तो ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा, इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें सही जाएगा। 148 इन रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, रिवेट इंडिकेट्स, रिवेट क्या कहते हैं, रिवेट क्या है इस हाइपोथेसिस में, जैसे एरोप्लेन में, जैसे एरोप्लेन से जैसे अगर वहां से रिवेट हटाते जाएं तो क्या होगा कि एरोप्लेन क्रैश हो सकता है, है ना। तो इस हाइपोथेसिस जो है इसमें रिवेट किसको इंडिकेट करती है, वो करती है बेटा स्पीसीज को, किस करती है, स्पीसीज को करती है। अगर स्पीसीज हमारी किसी भी बायोस्फीयर से हॉटस्पॉट से हमारी वहां से अगर जाती है, हट जाती है किसी कम्युनिटी से, तो वहां पे क्या होगा, वो इफेक्टेड होगा वो एरिया, ठीक है। तो स्पीसीज वहां पे इसका आंसर आएगा, चौथा ऑप्शन बनेगा हमारा। 149 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शनल करेक्टर ऑफ द इकोसिस्टम। फंक्शनल करेक्टर की बात करते हैं, एनर्जी फ्लो बिल्कुल होता है, प्रोडक्टिविटी भी होती है, डिकम्पोजिशन होता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा जाएगा, तो ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा, नॉट दिया हुआ है ना, नॉट ऑप्शन हमारा जाएगा स्ट्रेटिफिकेशन। जब एनसीआरटी पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में दे रखा हमारा, तो स्ट्रेटिफिकेशन वहां पे नहीं, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन हमारा ये ऑप्शन जाएगा बिल्कुल सही, 149। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 को देखते हैं, परजीवियों का कौन सा अनुकूलन उनको परपोषी के शरीर में जीवन यापन करने में सहायक नहीं होता है। विच अडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट डू नॉट हेल्प टू सस्टेन इन देयर लाइफ इन द होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी में से सर्वाइव करना है तो कौन सा हमें जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, हेल्प नहीं करेगा। देखते हैं, हुक्स हेल्प करती हैं बिल्कुल है, तो ये ऑप्शन हमारा पहला नहीं जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। लॉस ऑफ नेसेसरी ऑर्गन, अननेसेसरी ऑर्गन की बात हुई, ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लो बायोटिक पोटेंशियल, हाँ कहीं ना कहीं ये हेल्प नहीं करेगा आपका, लो बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, इसमें चौथा ऑप्शन जाएगा, ठीक है। The values of जेड frugivores, birds and mammals in Amazon forest and western ghats। सीधा सीधा NCERT दे रखा है, ठीक है। कितना होता हमारा थर्ड, 1.15, ठीक है। ये भी नहीं होगा हमारा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं। कौन सा ऑप्शन जाएगा, 1.15, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। बात करते हैं 152 क्वेश्चन की, कॉलम वन को कॉलम टू से मैच करना हमें। तो कैटलिटिक कन्वर्टर कहाँ यूज होता है हमारे, जैसा कि हम जानते हैं ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं। इंसिनरेशन कहाँ यूज होता है हमारा, फर्स्ट सीका फर्स्ट हो जाएगा, सीका फर्स्ट कहाँ दे रखा है हमारा, सीका फर्स्ट इस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा इसमें, ये जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में कहाँ यूज करते हैं हम यूज करते हैं हमारा इंडस्ट्रीज के अंदर, और ग्रीन बफर यूज करते हैं कहाँ, बी का थर्ड हो जाएगा, बी का हो जाएगा थर्ड, तो सेकेंड ऑप्शन वहाँ पे हमारा सही जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच द कॉलम वन सेकेंड एंड थर्ड, मैच करना है। म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस, कहाँ प्लस प्लस है, पी का सी, पी का सी हो गया, एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, लाइकेन चला जाएगा, ठीक है।
कंपटीशन माइनस माइनस दोनों अफेक्टेड होंगी, माइनस माइनस एग्जांपल किसका दे रखा है आप चेक कर सकते हैं, देखो डी का फर्स्ट कौन सा हमारा है, फर्स्ट फ्लेमिंगोज वाला माउंट पे हुआ था हमारा कंपटीशन हुआ था, ठीक है। प्रीडेशन, प्रीडेशन की बात करें, प्रीडेशन में एक प्लस होगा दूसरा माइनस हो जाएगा, एक प्लस दूसरा माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो मैच कर सकते हैं प्लस। और हमारा एग्जांपल क्या है प्रीडेशन में, हमारा जो स्टार फिश वाला एग्जांपल है, कॉमनसालिज्म एक में प्लस दूसरे में क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। एग्जांपल जो हमारी है, जब कोई कैटल है चरती है तो जो इंसेक्ट निकलते हैं वहाँ पर दूसरे बर्ड्स खा सकती हैं ना उसको, तो हमारा सीधा ऑप्शन चला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा 153 में हमारा, 153 में ऑप्शन हमारा बन जाएगा कौन सा वाला, सेकेंड, ठीक है। पी यहाँ से सी मैच करोगे आप, फिर फोर्थ मैच करोगे, ठीक। फिर आगे आप देख लो, सो एस, एस को बी और बी से फिर कहाँ जाएगा थर्ड में जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, विच बायोटिक कंपोनेंट मेनली हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, मेनली हेल्प इन रिसाइकलिंग, कौन सा बायोटिक कंपोनेंट है। तो सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है वो हम जानते हैं कि रिसाइकलिंग में कौन हेल्प करते हैं, डिकम्पोजर्स करते हैं, तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जाएगा। व्हाट इज करेक्ट फॉर ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर जो प्लांट्स की बात की जा रही है यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, बिल्कुल सही है, फोटोसिंथेसिस में चेंज करते हैं वो। दे हैव फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, पहले ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। ऑस्मोट्रॉफ्स, ये ऑप्शन सही नहीं जाएगा हमारा, ऑस्मोट्रॉफ्स नहीं होंगे। दे शो न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन, ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ए बी दो हैं, तो दो मीन्स ए एंड बी, कौन सा जाएगा हमारा, ए एंड बी, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे 155 का सही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, टोटली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, कितने हैं, तीन है हमारे, ठीक है। देखते हैं, आर्थर शोड दैट फाइव क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बल्स लिविंग इन द सेम ट्री वर एबल टू अवॉइड कंपटीशंस एंड शो कोएग्जिस्ट ड्यू टू, क्या किया था उन्होंने, जो वार्बल बर्ड्स थी क्या करती थी, वो फूड की रिसोर्स टाइमिंग चेंज करते थे, वहां पे रिसोर्स पार्टिशनिंग क्या हो गया था, रिसोर्स पार्टिशनिंग हमारा जो है पार्टीशन करना, उसको बांट लेना, तो इस तरीके से उन्होंने बांटा था, तो रिसोर्स पार्टीशंस नहीं हुए, ठीक है। ये दोनों बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे, रॉन्ग हो जाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, तीसरा ऑप्शन जाएगा यहाँ पे। आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, ये डायग्राम आपको आइडेंटिफाई करना है, देखो बैक्टीरिया का डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ये शेप होती है रॉड शेप, आप चलते रॉड शेप इस तरीके की होती है, स्फेरिकल, इस तरीके कोकस बोलते हैं इनको, तो रॉड शेप्ड दिया हुआ है। और ये क्या है, इसके फ्लैजला, फ्लैजला आपको मालूम मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, तो रॉड शेप्ड बैक्टीरियम शोइंग फ्लैजला, कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, तीसरा सही जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग, इनकरेक्ट मैच करना, कर्ड के अंदर लैक्टोबैसिलस बिल्कुल सही बात होता है, डोसाइडली बैक्टीरिया बनाते हैं, टॉडी सेफ्रोपॉम बिल्कुल सही है, स्विस चीज बैक्टीरिया बनाता है, ठीक है, प्रोपोनी बैक्टीरियम फंजाई हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो इसका क्या है, चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जाएगा। तो 159 हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज कॉल्ड ब्रूअर्स ईस्ट, ब्रूअर्स ईस्ट जो हमारी अल्कोहल बनाती है, कौन सी है इसमें, तो ईस्ट का साइंटिफिक नेम जो होता है आपको मालूम है ना, जैसे यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सेरेबाइसिस, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, सैक्रोमाइसिस सेरेबाइसिस, सेरेबाइसिस होगा इसका आंसर, 160 का तीसरा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट एंटीबायोटिक्स, कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या है हमारा रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट गलत, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, बिल्कुल सही बात है हमारा, क्या केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, है ना। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल माइक्रोब्स, सारे माइक्रोब्स एंटीबायोटिक नहीं बनाते, है ना, कुछ ही होते हैं माइक्रोब्स जो कि एंटीबायोटिक को बनाएंगे, सारे नहीं बनाते, तो ऑप्शन रखते हैं इसको होल्ड में। एंटीबायोटिक्स कैन किल रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट, तो ऑप्शन हमारा
कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे हमारा, सेकंड वाला, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग हमारा, सेकंड वाला। तो आंसर हमारा कौन सा जाएगा, सेकंड आंसर जाएगा। देखिए सारे जो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन जाएगा। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। ऑप्शन हमारे सामने दे रखे हैं, हमें इसमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो एसिटो बैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड, ए से एसिटोबैक्टर, ए से एसिटिक एसिड, ठीक है। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, ठीक है। मोनास्कस प्रोप्यूरिस स्टैटिन बनाता है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करेगा। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है, ठीक है। और जो चौथा का क्या हो जाएगा हमारा, डी, सीधे सीधे ऑप्शन। तो ऑप्शन कौन सा हमारा बनेगा, 162 का ऑप्शन हमारा बनेगा। यहाँ पे मैच कर सकते हैं, पहला ऑप्शन बनेगा, फर्स्ट का हमारा क्या आएगा, बी। सेकंड का हमारा क्या जाएगा, सी। थर्ड का क्या जाएगा हमारा, थर्ड का ए जाएगा, ठीक। इस तरीके से पहला ऑप्शन हमारा बनेगा, ठीक। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला होगा। आगे देखते हैं, विच इज द कॉम्पिटेटिवली इनहिबिटिंग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। सीधा सीधा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की बात करते हैं जब हम, तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाता है, तीसरा ऑप्शन, स्टैटिन की बात हुई है। 163 में किसकी बात हुई है, स्टैटिन की बात हुई। स्टैटिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि इनहिबिट करता है इसके सिंथेसिस में, तो मी सीधी सी बात है क्या करेगा, वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगा, ठीक है, बॉडी के अंदर। फ्लॉक्स आर, फ्लॉक्स हम देखा जब देखते हैं ट्रीटमेंट प्लांट में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, ठीक है। तो उसमें किसका मास बनता है, तो ऑप्शन दे रखे हैं, फ्लॉक्स क्या है, मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद एल्गल फिलामेंट्स, नो एल्गल आ गया यहाँ पे, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा पहला वाला। मास ऑफ फंजाई एसोसिएटेड विद एल्गल फिलामेंट, ये भी नहीं हो पाएगा, भी रॉन्ग है। मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, हाँ बिल्कुल सही है। मास ऑफ फिलामेंट एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल फिलामेंट, बैक्टीरिया फिलामेंट ना, ऐसा नहीं। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बैक्टीरिया का मास होता है वहां पे काफी सारा, बैक्टीरिया का नंबर होता है, और किसके फिलामेंट होते हैं, फंगल के फिलामेंट, फंजाई के फिलामेंट होते हैं। तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही जाएगा। आगे देखते हैं, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ, बायोगैस किसका मिक्सचर है, क्या होता है बायोगैस के अंदर, सीधी सीधी सिंपल, CH4 होती है, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और क्या होती है, हाइड्रोजन। सीधा सीधा सिंपल आंसर है इसका, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज बायो पेस्टिसाइड। बायो पेस्टिसाइड मीन्स ऐसे एजेंट जो हम पेस्ट को कंट्रोल करने यूज करते हैं, इंसेक्ट्स को, एफिड्स का यूज करते हैं ना, तो कौन सा नहीं है। बीटी, बीटी तो यूज करते हैं कॉटन में, है ना, ये तो यूज करते हैं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे। ट्राइकोडर्मा भी यूज करते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस जब भी यूज करते हैं, स्पेसिफिक होता है। जैंथोमोनास, जैंथोमोनास वहां पे हमारा क्या ऑप्शन होगा, इसको हम यूज नहीं करते हैं बायोपेस्टिसाइड्स, ठीक है। जब एनसीईआरटी देखते हैं तो हमारे तीनों ऑप्शन स्पेशली दे रखे हैं। जो न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए, तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, चौथा ऑप्शन सही जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है यहां पर, देखते हैं। मैथेनोजन बैक्टीरियम इज बैक्टीरियम फाउंड इन रूमन कैटल, बिल्कुल सही बात है। मैथेन को बनाने वाला बैक्टीरिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो मैथेन को बनाने वाला बैक्टीरिया, जैसा कि हम जानते हैं, जो कैटल होती है उनके रूमेन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आगे क्या है, ऑप्शन तो मिल गया हमारा पहला, लेकिन आगे के स्टेटमेंट क्या है। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस, प्योर मिथेन, प्योर मिथेन, ऐसा नहीं, उसमें मिक्सचर होता है, तो रॉन्ग हो जाएगा ये वाला हमारा। एक्टिविटी सल सेडिमेंट सेटलमेंट टैंक्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज रिच सोर्स ऑफ एरोबिक फंजाई, नो, एनारोबिक होती है। बायोगैस प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑन एनिमल वेस्ट, ना, बायोगैस का प्रोडक्शन होता है एनारोबिक कंडीशन में होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, पहला वाला स्टेटमेंट है। तो 167 में कौन सा हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोटीज, ये भी नहीं होगा,
ग्लूकोमाइलेज भी नहीं होगा, लाइपेज किसका यूज करेंगे, लाइपेज का यूज करते हैं, ठीक है, लिपिड को वहां पे तोड़ने करने के लिए लाइपेज का यूज करते हैं, ठीक है, ये भी नहीं हमारा होगा ऑप्शन। तो ऑप्शन हमारा 168 का कौन सा ऑप्शन जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा हमारा, लाइपेज यूज करते हैं डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, एंजाइम का यूज किया जाता है। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड इन बॉटल फ्रूट जूस इंडस्ट्री, निम्न में कौन से एंजाइम का उपयोग करेंगे बोतल फल रस को, ठीक है, देखो एंजाइम इसमें हम यूज करते हैं जब किसी बॉटल जूस को क्लियर करने के लिए, क्लियर, तो उसमें हमारा कौन सा जाएगा, प्रोटीज एंड पैक्टिनेज ये यूज करते हैं, ये नहीं यूज, लाइपेज हमारा भी नहीं यूज करते हैं, हालांकि पैक्टिनेज करते हैं, लाइपेज हमारा ऑप्शन नहीं जाएगा ना, एमाइलेज ये भी नहीं होगा हमारा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो प्रोटीज एंड पैक्टिनेज का ऑप्शन सही जाएगा। पोटेंशियल ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज गिवन बाय, देखो पेनिसिलिन की डिस्कवरी जो देखा था सबसे पहले एलेक्जेंडर फ्लेमिंग देखा था, लेकिन पोटेंशियल की बात हुई यहाँ पर, पोटेंशियल एक्टिविटी जो प्रॉपर उसकी देखा था बाद में बनाई गई थी, पोटेंशियल ऑफ एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन वाज गिवन बाय किसके द्वारा की दी गई थी, हमारे साइंटिस्ट थे कौन, चेन एंड फ्लोरे ने दी थी, चेन एंड फ्लोरे ने हमारा ऑप्शन यहाँ पे जाएगा, पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं, दूसरा भी तीसरा भी कौन सा ऑप्शन जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा चेन एंड फ्लोरे ने इसका पोटेंशियल ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का इफेक्ट देखा था क्या कितना काम कर, 170 का हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम सीवेज इज इंक्लूडेड, देखो फिजिकल रिमूव करना हमें लार्ज पार्टिकल्स है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्सरी ट्रीटमेंट, एनारोबिक स्लज ट्रीटमेंट, देखो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, कौन सा बनेगा, पहला आंसर बनेगा इसका, ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में नहीं करते हम, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाकी माइक्रोब्स को रोक करके ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज किया जाता है वहाँ, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या कहता है, लार्ज और स्मॉल पार्टिकल जो है फिजिकली उसको रिमूव किया जाता है वहाँ से, ठीक है, फिल्ट्रेशन टेक्निक करते हैं, सेडिमेंटेशन यूज करते हैं वहाँ पर, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट इसका आंसर आएगा, 171 का पहला आंसर जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जैविक नियंत्रण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही मिलान नहीं है, कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड, देखो बैकेलो वायरसेस हम यूज करते हैं स्पेसिफिक इंसेक्ट के लिए होता है हमारा, ट्राइकोडर्मा भी यूज करते हैं, अभी बात कर रहे थे, लेडी बर्ड की बात करते हैं, यूज करते हैं इसका हम, ठीक है, बायोकोलॉजिकल कंट्रोल में कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, अल्टरनेरिया ये हमारा करेक्ट मैच नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे ऊपर वाले ऑप्शन तीनों क्या हो जाएंगे, नहीं होंगे ये ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, चौथा अल्टरनेरिया वाला ऑप्शन, जो सॉइल बोन पैथोजन ऐसा है ही नहीं, ऊपर वाले तीनों एनसीईआरटी में अच्छे से दिए हुए हैं और कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो हमारा चौथा ऑप्शन वहाँ पर जाएगा अल्टरनेरिया, जो कि सॉइल बोन पैथोजन नहीं, कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बरदादी जूलॉजी फैकल्टी, आपके पार्ट 6 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखो बेटा पहला क्या है, यहां से पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर में बी अपीयर इन बॉडी व्हेन द इम्यून सिस्टम लॉस इट्स एबिलिटी, जब प्रतिरक्षा तंत्र एक शव उत्तक की पहचान खो देता है तो निम्न में से कौन सा विकार उत्पन्न होता है। आपको मालूम ही चल गया होगा कि ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, तो यहां पर सेकेंड आंसर जा रहा है कि जब कोई भी अपना ही कोई इम्यून सिस्टम पहचान करना बंद कर देता है तो इसी से स्व प्रतिरक्षा दोष के रूप में जान लिया जाता है, और मुझे उम्मीद है सबका सही हुआ होगा। नेक्स्ट देखो, यहां पर पूछा गया बेटा कॉलम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से मैच करवाना है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे मान लो सबसे पहले कॉलम एक पे बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया में आप जानते हैं कौन सा हो सकता है, हीमोफिलस, यहाँ पर यहीं पर मैच करवा लें आप, तो देखो इसमें हो गया ये, फिर यहाँ इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, फिर इसमें आप फर्स्ट कर लें, वायरस में राइनो वायरस हो गया बेटा, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपने देखा कौन से पार्ट पे, यहाँ आप देखते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के रूप में, तो यहाँ पर आपके पास ये फोर वाला पॉइंट आ गया, फिर प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम,
तो यहां पर ये फर्स्ट आ गया। फिर उसके बाद में आप देखते हैं फीवर विच, तो ये इसका स्पेशली सिम्टम्स रूप में आ रहा है। हेलमंतीस बचाई आपके पास सेकंड है बेटा। उसके बाद में यहाँ पर इन्फ्लामेशन ऑफ द लोअर लिम्स थर्ड आ जाता है। मतलब ऐसे जब भी कोई प्रश्न आए बेटा तो आप इस तरीके से मेंशन है करवाए कि जैसे ये आ गया, इसमें थर्ड आ गया, यहाँ से आपने यूँ कर दिया, फिर उसके बाद में यहाँ से आपने देखा ऐसे कर दिया, तो क्या है कि काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं। ऐसे को आप यहाँ से ही मैच करवाएं, बहुत इजी होता है। और उससे देखते हैं अपन कि बैक्टीरिया में आपने देखा, अब देखो यहाँ फोर में क्या है। अब फोर में आपने देखा, फोर में सेकंड और थर्ड, देखो फोर फिर सेकंड और थर्ड, इसका मतलब यहाँ मैच हो रहा है। फिर थर्ड में देखो बेटा फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड मैच हो रहा है। फिर थर्ड इसमें देखो सेकंड में, सेकंड में यहाँ आ जाओ, फोर्थ एंड फोर्थ, ये सही हो रहा है। फिर बैक्टीरिया में देखो यहाँ वाले में फर्स्ट और थर्ड और फर्स्ट आ रहा है, इसका मतलब इसका फर्स्ट ही आंसर चला गया। थोड़ा दिमाग लगा के देखना है, बहुत इजी होते हैं ऐसे जो प्रश्न आते हैं, इनमें कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, बस थोड़ा सा इसके सामने मैच करवाने से इजी हो जाता है। और मैं समझ रहा हूँ कि शायद आपका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपके ये एनिमल हस्बेंड्री का ना होकर एक प्लांट ब्रीडिंग का है, क्योंकि फूड प्रोडक्शन में वो भी पोर्शन है। तो आप देखते हैं यहाँ से पूछा गया बेटा, पूषा कोमल इज द वेराइटी ऑफ, पूषा कोमल किसकी किस्म है। आपको अच्छी तरह मालूम होगा, अब ये चीज़ें तो क्या है बेटा, देखो लिख लिख के रट्टा मारने वाली है, सिफिक्स है, याद होनी चाहिए, काउपी या लोबियो, तो इसमें आपके पास कौन सा आंसर चला गया, तीन नंबर। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ से फिर मैच में आप देखते हैं कौन सा किस रूप से है। अब देखो यहाँ पूछा गया बेटा कि नेचुरल एक्टिव, फिर आर्टिफिशियल पैसिव, फिर आर्टिफिशियल एक्टिव, नेचुरल पैसिव। अब यहाँ आप देखते हैं, आपको सबसे ईजी लग रहा है वो पहले देख लो आप, जैसे नेचुरल पैसिव तो थ्रू द आप देखते हैं मदर टू बेबी के रूप में, तो यहाँ पर डी में सेकंड नंबर। अब आप देखो डी में, पहले तो कोशिश करो कि इससे ही मालूम चल रहा हो तो बेटर है, टाइम बचना चाहिए। और ध्यान रखना नीट में एक ऑप्शन ऐसा आएगा जिसमें एक से आंसर जा रहा होगा, आपने देखा होगा पी वाई क्यू का सॉल्यूशन सीएलसी में सब बच्चों को करवाया जा रहा है, आपने इसमें देखा होगा कि एक ही ऑप्शन से आप बहुत टाइम बचाते हुए इसको सही कर लेते हैं। तो देखो इसमें नेचुरल पैसिव में आप देखते हैं डी में सेकंड और किसी में है भी नहीं बेटा, तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरीके से देख के करें जिससे कि टाइम बचे और बिल्कुल सही भी जाए। अब उसके बाद देखो यहाँ आप देखते हैं कि स्पेशली आपने देखा कौन सा चला गया, फोर्थ आंसर चला गया। कैसे गया, देखो ए में आपने देखा नेचुरल, आपने देखा एक्टिव कौन सा है। अब नेचुरल एक्टिव में आप सबसे पहले यहाँ फाइटिंग इन्फेक्शन नेचुरली, कहने का मतलब एक प्राकृतिक सक्रियता इम्यूनिटी वाली होती है, वो कैसी हो सकती है, प्राकृतिक रूप से संक्रमण से लड़कर, इसका मतलब इसके सामने ही बेटा ऐसे लिख लें भाई, दो आ जाए तो फिर देखना तो बुरा पड़ेगा ना अपने को। फिर देखो बी में आर्टिफिशियल पैसिव में बेटा थर्ड आ रहा, आप देखो इसमें थर्ड आ रहा है। अब आपने देखा यहाँ से थर्ड क्या है, लाइक आर्टिफिशियल पैसिव में यहाँ इंजेक्शन ऑफ एंटी सीरम, तो यहाँ आपके पास कौन सा आ गया बेटा, थर्ड नंबर आ जाता है, तो इसमें हुआ कौन सा, एंटी सीरम का इंजेक्शन देकर। फिर है कौन सा आर्टिफिशियल एक्टिव सी में, सी में है यहाँ इंड्यूस्ड वैक्सीनेशन, आपके पास यहाँ पर कौन सा आ गया बेटा, पाँच नंबर। फिर प्राकृतिक ने यहाँ, तो ये नेचुरल पैसिव में आप देखते हैं कौन सा आ गया यहाँ सेकंड। अब आप देखो इसमें मैच करवाते हैं, पहले तो आंसर मैंने बता ही दिया कि जब भी इस टाइप का आए तो लगता ही है कि बहुत लंबा है, आप एक ऐसा ऑप्शन देखेंगे जो आपको इजी लगेगा, सबसे पहले वो मैच करवाना, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको मालूम चल जाएगा, टाइम बचेगा, ध्यान रखना मेरी बात। अब उसमें देखो यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पर चार तीन पाँच दो, चार तीन पाँच दो किससे मिल रहा है आपको, चार में मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको मालूम चल गया यहाँ पर कि ये चार आंसर इसका जा रहा है, तो इसमें आ गया कौन सा, फोर नंबर पे। फिर देखो नेक्स्ट, यहाँ आप देखते हैं बेटा मैच द फॉलोइंग डिजीज विद देयर पैथोजन टाइप, यहाँ आपको अच्छी तरह मालूम है कि कौन सा डिजीज किस पैथोजन से हो रहा होता है। यहाँ देखो निमोनिया, निमोनिया में बेटा बैक्टीरिया, यहाँ आप देखते हैं चार नंबर। फिर कॉमन कोल्ड, तो ये वायरस, ये पाँच नंबर। एलिफेंटेसिस, ये एक तरह से आपको मालूम है हेलमंतीस से होने वाली बीमारी है। रिंग वॉर्म है, ये फंगस से होने वाली बीमारी है। एमीबियसिस आप जानते ही हो, ये एक प्रोटोजोन्स डिजीज है, तो यहाँ आ गया कौन सा, थर्ड नंबर। अब मैच करवा लो, चार
किस में आ रहा है, पांच किस में आ रहा है, एक किस में आ रहा है, दो किस में आ रहा है और तीन किस में आ रहा है। सेम वही कंडीशन है बेटा, चार पांच फिर एक दो और तीन। और वैसे देखा जाए तो मैंने कहा था जो आपको इजी लग रहा है। अब देखो सी में आप देखो बेटा, एक आपने देखा इसमें एक ही आ रहा है भाई। देखो यह वैसे देखा जाए तो देखो पांच कहीं में आ गया, चार कहीं में आ गया, तीन यहां पर एक में आ रहा है, लेकिन यहाँ एक एक में है। फिर उसके बाद में देखो एक और दो चार पांच, तो यहां पर देखो आप देखते हैं कि यहाँ कौन सा एलिफेंटेसिस, तो यहाँ आपको मालूम चला है एलमंथीस, तो सी में एलिफेंटेसिस और ये, तो इस हिसाब से आपके पास चार आंसर चला जाता है। उसके बाद देखो यहाँ से पूछा, ए आर वाला है, आप जानते ही हैं बेटा कि यहाँ पूछा गया कि ऑफिएट नार्कोटिक्स में मॉर्फिन के व्युत्पन्न सम्मिलित है जिसमें निंद्राकारी प्रभाव होते हैं। आप जानते हैं ऑफिएट नार्कोटिक्स से इंक्लूड द डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन दैट हैव द सेडेटिव इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है बेटा, द रिसेप्टर फॉर द ऑफिएट नार्कोटिक्स आर द लोकेटेड ब्रेन एंड जीआईटी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक दूसरे से कोई यहाँ रिलेशन वो नहीं है। तो यहाँ आप देखते हैं कि ए और आर दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर। तो आप जानते हैं कितने नंबर चला गया, यहाँ दो नंबर के रूप में चला जाता है ये आंसर। और ध्यान रखे थोड़ा सा ये रिसेप्टर वाला कि कहाँ पर कौन सा प्रेजेंट होता है, कि किसका किस में होता है, कैनबिनॉइड्स का कहाँ होता है, थोड़ा याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग, निम्न में से कौन सा सफल मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक नहीं है। नहीं है बेटा, अब आपको मालूम है नॉट इम्पॉर्टेंट। अब देखो नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट ऑफ बी, ये तो मालूम होना चाहिए। फिर है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर की, इसके लिए भी जरूरी है। कैचिंग एंड हैविंग है, ये भी जरूरी है। कीपिंग वी हैव इन क्रॉप फील्ड ड्यूरिंग नॉन फ्लोरिंग प्लांट, बेटा आप जानते हैं कि इसमें आपने देखा एनसीईआरटी में तीन प्लांट के नाम आपको मालूम है, एप्पल है या पियर्स है या सनफ्लावर है ना सोयाबीन, तो इनमें ही फ्लोरिंग में ही हो सकता है। तो यहाँ ये कह रहा है कौन नहीं है या कौन सा पार्ट आवश्यक नहीं है, तो बेटा ये नहीं है कि अपुष्पन अवधि के दौरान मधुमक्खी छत्तों की देख रेख, तो कीपिंग बी इज क्रॉप फील्ड ड्यूरिंग द नॉन फ्लोरिंग, तो कौन सा आंसर आ गया बेटा चार नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है विच ऑफ द पॉइंट बेस्ट डिफाइन द आउट क्रॉसिंग, अब देखो निम्न में से कौन सा एक बही संक्रमण को सबसे बेहतरीन तरीके से परिभाषित करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन ऑफ द आउट ऑफ क्रॉसिंग रूप से। देखो अब आप जानते हैं क्रॉस बिटवीन ऑफ टू एनिमल्स, ये तो एक तरह से ब्रीड रूप हुआ बेटा, हाइब्रिड। अब ये देखो इसे बेस्ट डेफिनेशन पूछी है, तो ये देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि क्रॉसिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड विच हैव नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन ऑन देयर साइड ऑफ देयर पेडिग्री। आपको मालूम है यहाँ पर ये दो आंसर जा रहा है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए ये आंसर यहाँ क्या चला गया दो। उसके बाद देखते हैं बेटा एनिमल, ये फिर देखो ए और आर के रूप में एनिमल हस्बेंड्री डील विद द लाइक केयर एंड ब्रीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड फिशरी इंक्लूड द रेयरिंग कैचिंग सेलिंग ऑफ फिश स्मॉलेस्ट एंड क्रस्टी। बिल्कुल एनसीईआरटी लाइनें हैं दोनों, और ए और आर दोनों सही हैं, एक्सप्लेनेशन से नहीं है। तो आपको मालूम है कि पशुपालन पशुधन की देखरेख उनके प्रजनन से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। मत्स्य पालन में मछलियां मॉलस्क तथा क्रस्टेशियंस को पालने तथा पकड़ने तथा बेचने सम्मिलित है, तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहाँ पर आपके दो आंसर चले जाते हैं। फिर उसके बाद देखो ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्न मलेरिया इज करेक्ट एक्सेप्ट, इसमें से कहा गया कि मलेरिया से संबंध में निम्न में से कितने सही है, किसी एक को छोड़कर अतिरिक्त, मतलब इसमें एक ऐसा है जिसका रिलेशन नहीं है। अब देखो मादा एनाफ्लीज मच्छर वाहक होती है, द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो इज द वेक्टर, बिल्कुल सही बात है। ये तो वो पूछ रहा है कौन नहीं है, इसका अपवाद कौन है, मतलब कौन नहीं है इस एक को छोड़कर। इन अर्ली इन्फेक्शन स्पोरोजॉइट्स एंटर इनटू द हेपेटोसाइट्स, आप जान गए लीवर में जाता है, आधे घंटे में जाना जरूरी होता है, ग्लाइकोजन इसका फूड पार्टिकल होता है, तो ये और सिकिल सेल एनीमिया वाले के मलेरिया नहीं होता, उसका कारण यही होता है। तो आपको मालूम है यहाँ पर ये भी सही है, रिलीज ऑफ हीमोजोइन फ्रॉम द रैप्चर ऑफ आरबीसी कॉज फीवर एंड चिलिंग, बिल्कुल सही बात है बेटा कि यहाँ स्पोरोजोइट है वो हेपेटोसाइट मतलब लीवर सेल में प्रवेश कर गए और टूटी हुई आरबीसी मुक्त होती, तो इसमें एक कौन पार्ट निकलता है होमोजोइन, जिसके कारण ज्वर एंड टिटूना या सर्दी महसूस होती है। तो तीनों पॉइंट आपके सामने है, वो पूछ रहा है इनमें से मलेरिया का जो पॉइंट है वो कौन सा यहाँ मैच नहीं कर रहा है। यहाँ युग्मोद्भिद का निर्माण मुख्य स्थान मनुष्य के इसमें, अब ये कह रहा है जटर वाले पार्ट में या गैस्ट्रो इंटेस्टाइन या जीआईटी में, तो यही गलत हो गया।
क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर ये स्पेशली क्या है, द प्रिंसिपल साइट ऑफ गैमेटोसाइट फॉर्मेशन इन द ह्यूमन जीआईटीन ट्रैक्ट, यही गलत है। और वैसे भी देखो तीन का अगर अच्छा खासा नॉलेज हो, ध्यान रखना नीट में तीन का तुम्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि ये डेफिनेट गलत है, चौथे का तुम्हें नॉलेज भी नहीं है तो वो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाएगा। ये तो खैर एनसीईआरटी में है, एक बात है थोड़ा सा ध्यान रखना, जिससे कि आप जानते हैं इसमें चार का रिलेशन यहाँ से नहीं है, इसलिए आंसर फोर चला गया। नेक्स्ट देखो बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर स्टेटमेंट, किसके संदर्भ में, लाइक एड्स के संदर्भ और उसके वायरस से संबंधित पार्ट है जिसमें ट्रू और फॉल्स की स्टेप देखनी है आपको, कौन कौन से कैसे हैं। अब देखो एड्स विषाणु के निम्न में से चार कथन दिए गए हैं, उनमें से कथन का चुनाव कीजिए जो गलत और सही है। ध्यान रखिए इस प्रकार का भाई स्टेटमेंट वाले होते हैं उसमें ये आता है ना, जैसे एक और दो सही और तीसरा गलत है, तो ये ऐसे भी तो बन सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें आप इसको भी थोड़ा उसी स्टेटमेंट में ही मान के चले। तो देखो एड्स वायरस कैन बी पास थ्रू द इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा, बिल्कुल सही बात है, तो इसका मतलब ट्रू हो गया ये, ये देखो ट्रू इसमें सब में आ रहा है। उसके बाद में दूसरा कह रहा है ट्रू है ट्रू है, अब कौन सा जाएगा वो देखेंगे बाद में। दूसरा एड्स वायरस विल अटैक ऑन द सेल विद द CD4, बिल्कुल सही बात है, ये भी आपके पास आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो आंसर आपके पास वैसे ही गलत हो गए, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, चार नंबर जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। क्योंकि देखो एड्स क्या होता है कि जैसे मान लो थोड़ा आपको मालूम होगा, जैसे ये मैक्रोफेज सेल है तो यहाँ रिसेप्टर के रूप में कौन, ये CD4 प्रेजेंट है, और उसके कोटेड पार्ट में कौन सा होता है GP120, और वो दोनों इंटरेक्ट करते हैं CD4 और GP20, तब जाके इन्फेक्टेड स्टेज आती है, तो ये है कि यहाँ पर ये वाला भी सही आया। फिर हेल्पर टी सेल्स इज आर कॉल्ड HIV फैक्ट्री, बेटा नहीं मैक्रोफेज सेल होती है, इस कारण से ये गलत हो गया है, तो ये सही यहाँ पर फॉल्स बता रहा है। PCR इज द नॉन टू इस रूप में यहाँ पर कि PCR नाउ टू लाइक रूटीन बींग्स यूज टू डिटेक्ट द HIV इन द सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, सही बात है। तो यहाँ पर देखो पहला एड्स विषाणु अफरा के माध्यम से संक्रमित माता से बच्चे में जा सकता है, बिल्कुल सही बात है ट्रू। उसके बाद में एड्स विषाणु CD4 ग्राही कोशिका पर हमला करता है, सही बात है ट्रू। साय कोशिका HIV फैक्ट्री, ये नहीं है, फॉल्स। उसके बाद में आपने देखा PCR अब एक नियमित रूप से संदिग्ध एड्स रोगियों में HIV का पता लगाने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है, सही बात है, इसका मतलब आपके पास आंसर कौन सा चला गया, फोर। फिर देखो नेक्स्ट बेटा, यहाँ आया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। अब देखो यहाँ कार्सिनोजन कॉज नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन बाय द एक्टिवेटेड प्रोटोन कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेस जीन, ये पहला गलत हो गया। देखो यहाँ पर पॉजिटिव के रूप में तो ये मान लो इस वाले पे, और यहाँ ट्यूमर सुप्रेस जीन के लिए यहाँ पर क्या होगा, एक्टिवेटेड नहीं होगा, पैसिवली होगा, तो इसका मतलब पहला तो आपके पास गलत हो गया है कि प्रोटोन कोजीन एंड ट्यूमर दोनों क्या है, एक मतलब एक सक्रिय रूप से नियोप्लास्टिक परिवर्तन का कारण है, नहीं सुप्रेस्ड एक तरह से नेगेटिव रूप में होता है, ये पॉजिटिव में होता है, तो इसका मतलब पहला तो आपके पास गलत हो गया। दूसरा है संक्रामक रोगों में से होने वाली मृत्यु में कैंसर प्रमुख है, देखो पहला ही गलत हो गया, चाहे ज्यादा हो रही हो डेथ लेकिन कहता है इन्फेक्शनल या कम्युनिकेबल डिजीज है यहाँ पर इनमें, तो ऐसा नहीं है कि मेजर कॉज बताया जा रहा है। फिर है मेटाजिनेसिस, बेटा मेटा स्ट्रेसिस होता है, मेटाजिनेसिस आपने मालूम है ना पॉलिप एंड मेडूसा वाले में, वहां पर मिलती है मेटाजिनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो ये वैसे गलत हो गया। और मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी, NCERT की लाइनें हैं कि अधिकांश कैंसर का उपचार शल्य चिकित्सक विकिरण और रसायनों चिकित्सक के द्वारा किया जाता है, चार नंबर आंसर चला जाता है। उसके बाद देखते हैं डर्मेटोफाइटोसिस इज जनरली नेम ऑफ, अब आपको मालूम है कि स्मिस ये डर्मेट मतलब क्या हो गया, स्किन से रिलेटेड या त्वचा से संबंधित भाग है, तो आपको मालूम है कि डर्मेटोफाइटोसिस इज द जर्नल द सीरीज ऑफ अपॉर्चुनिटी डिजीज दैट ऑफ्टन अटैक टू द HIV, ऐसा आपने पढ़ा ही नहीं कहीं NCERT में है भी नहीं, कि अवसरवादी बीमारियों के श्रृंखला में जो अक्सर HIV रोगी पर हमला करता है, नहीं टाइफाइड रोगी के लिए दिए गए एंटीबायोटिक है, ऐसा नहीं है। विभिन्न कवकों के कारण त्वचा या नाखून का फंगल है, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ फंगल डिजीज ऑफ स्किन स्कैल्प एंड द नेल्स यूज्ड बाय द वाइड वैरायटी ऑफ द फंजाई, आप जानते हैं या फंगी, तो ये डर्मेटोफाइट्स के रूप में होता है, वैसे भी आपको मालूम चल रहा है कि ये फंगल डिजीज है, और ये कह रहा है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो यहाँ तो रिकेट्स वाली स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पर भी ये गलत हुआ, तो इसका मतलब आंसर कौन सा चला गया बेटा, तीन नंबर। उसके बाद देखो
यहाँ पर आप जानते हैं नेक्स्ट आया कि ARC है, सम वायरल डिजीज कैन बी प्रिवेंट बाय द यूज ऑफ वैक्सीन। बिल्कुल आप जानते हैं कि टीका के उपयोग से कुछ वायरल बीमारियों को ठीक किया जा रहा है। आप देख लो ना COVID-19 ही यार, COVID-19 में क्या है यहाँ पर कि वास्तव में वैक्सीनेशन है, तो ये तो बिल्कुल सही हुआ। दूसरा कह रहा है एंटीबायोटिक्स रोगकारी विषाणुओं को मार सकता है, अगर ऐसा होता तो फिर वैक्सीन की जरूरत कहाँ पड़ती, इसका मतलब ये गलत हुआ है। तो इसका मतलब ए सही है और आर गलत है। अब इसमें कौन सा है कि ए सही और आर गलत, आपको मालूम है ए ट्रू एंड आर इज फॉल्स। यहाँ पर आपने देखा ए कथन सही है और आर गलत है, 3 नंबर आंसर चला जाता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ से पूछा गया ए सर्टेन पेशेंट सस्पेक्ट टू बी सफर फ्रॉम द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, विच टेक्नोलॉजी विल बी यूज रिकमेंडेड फॉर द स्क्रीनिंग एंड कंफर्मेशन। बहुत इजी है, एक रोगी जो उपार्जित लक्षणों की न्यूनता सिंड्रोम है, कहने का मतलब ये एड्स के लिए ही है, एड्स का फुल फॉर्म, पीड़ित होने के संदेह में स्क्रीनिंग और पुष्टि के लिए किन तकनीकों का यूज किया जाता है। आप जानते हो एलिजा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये दो यहाँ पर आंसर चला जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं मैच वाले में, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो, मैंने कहा था पहले एक आप देख लो जिससे आपको मालूम चल जाए। अब देखो धतूरा जो होता है वो कौन सा होता है, हेलोसिनोजिनिक के रूप में जाना जाएगा। तो हेलोसिनोजिनिक में धतूरा आ रहा है, इसका मतलब आप जानते हो कि ई में यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 3 नंबर। इसका मतलब ई में 3 यहाँ और यहाँ है, 2 तो क्रॉस कर ही दो। फिर और नॉलेज किसका हो सकता है तुम्हें, जैसे कि मान लो कैनबिनॉइड्स में, तो ये इन्फ्लोरेसेंस से होता है, तो 5 नंबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपने देखा यहाँ पर कौन से पे, बी में पाँच आपके पास यहाँ आ रहे हैं, तो देखने की जरूरत ही नहीं रही, आपको मालूम है। अब मैच करवाओ, अपन तो करवाएंगे तो पूरा ही। अब देखो ए में प्लस फर्स्ट क्या है, एफ्यूइड क्या है, एफ्यूइड मतलब पेपेवर सोमेनिफेरम, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर 4 चले जाते हैं। फिर है कैनबिनॉइड्स, तो इसका मतलब आपके पास इन्फ्लोरेसेंस से 5 चले जाते हैं। इसमें एक क्या है, तो ये डाईएसिडाइल मॉर्फिन हीरोइन के रूप में आप जानते हो, हीरोइन में यहाँ मिलता है। फिर कोकीन एक तरह साउथ नेटिव प्लांट के रूप में आप जानते हैं, 2nd नंबर आ जाता है। फिर उसके बाद में आपके पास धतूरा है, तो ये 3 नंबर पे आ ही जाता है। तो देखो 4, 5, 1, 2, 3 किस्में हैं। तो देखो यहाँ 4, 5, फिर उसके बाद में 1, फिर इसके बाद में कौन सा 2 नंबर, फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 नंबर के रूप में मिल रहा है। आप समझ गए होंगे पहले कौन से 5, 4, 5, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। तो ऐसे आपके देखा कौन सा आंसर गया, 4 नंबर चला जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहाँ आया द मोस्ट कॉमन एंजाइम द ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग द यूथ इंक्लूडेड। आजकल के युवाओं में देखने को मिल रहा है, युवाओं के बीच दवा या शराब के दुरुपयोग से आम चेतावनी संकेतों को शामिल किया गया। देखो पहला है, यहाँ पर दिया गया राइज इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, बेटा ये तो डिक्रीज हो जाता है, आप जानते ही हैं। दूसरा है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि ये बिल्कुल इन्वॉल्व हो रहा है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य की रुचि में कमी आ जाएगी, वो तो शराब पी के पड़ा रहेगा, परिवार के साथ अच्छा व्यवहार हो ही नहीं सकता। फिर है निंद्रा में कोई बदलाव नहीं, निश्चित होना ही है बेटा, आप जानते हो। खाने की आदतों में परिवर्तन 100%, यहाँ आप जानते हैं। फिर स्थिर भार ऐसा हो नहीं सकता और विरोधी व्यवहार उसका रहना ही रहना है। इसका मतलब आपके पास कौन सा आया, यहाँ पर बी आ गया और ई आ गया और जी आ गया। अब बी ई और जी के रूप में देखते हैं कौन कौन से। जी में देखो आप मालूम चल गया ना, जी में मतलब क्या हो गया, एक विरोधी व्यवहार के रूप में है कि यहाँ पर रेबिलियस से बिहेवियर आ रहा है। उसके बाद में चेंजेस हैबिट इन या ईटिंग हैबिट पे आ रहा है। दूसरा लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, इसमें आ रहा है। तो यहाँ आपने देखा बी ई और जी वाला स्ट्रक्चर आप देखते हैं, यहाँ पर आपको ये मिलता है और इसमें आंसर ये चला जाता है। फिर देखो नेक्स्ट, यहाँ पर आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें सही तरीके से मैच करवाना चाहिए और आपको टाइम में पहले एक बार देख लेना चाहिए कि कौन सा मैच हो रहा है। एक कोई सा भी उठा लेते हैं, उससे आपके सेट हो जाए। जैसे मान लो, जैसे एक को देखा आपने, ए एस्केरिसिस होता है, ये एस्केरिसिस से होने वाला ये एक पैथोजन हो गया। अब इसमें क्या आना चाहिए, तो आपको मालूम है इंटरनल ब्लीडिंग होनी चाहिए, मस्कुलर पेन होना चाहिए, फीवर होना चाहिए, यहाँ एनीमिया हो सकता है, यहाँ सया सही है। फिर उसके बाद बी में क्या है कि यहाँ पर बी, अब कौन से में दे रखा है, आप देखो बेटा ये दे रखा है ए में, ठीक है मानते हैं। अब बी यहाँ पर कौन सा है, तो आप देखो कि बी में यहाँ पर ट्राइकोफाइटोन मतलब रिंग वॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ रिंग वॉर्म बी में
है ही नहीं साथ, क्योंकि सी दे रखा है, इसका मतलब यहाँ सी में यहाँ निमोनिया, जबकि यहाँ कॉमन कोल्ड वाला रूप आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। फिर बी में एथलीट फूड एंड, तो ये आपने एनसीईआरटी में वैसे सुना भी नहीं है जो आप देखो। फिर ए में हाई फीवर, अब यहाँ ए में हाई फीवर, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, एडक यहाँ, और फिर बी में यहाँ सी में कह रहा है कॉमन कोल्ड का रूप यहाँ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ कॉमन कोल्ड आ रहा है लेकिन यहाँ राइनो वायरस, फिर वहाँ पर इंफ्लामेशन का रूप दे रहा है। अब देखो एक यहाँ पर क्या हुआ, फाइलेरिसिस के रूप में डी आ रहा है, और बी में यहाँ पर आपको मालूम है वैसे ही गलत हो गया क्योंकि वी से आपको मालूम है गलत मालूम चल रहा है वहाँ पर। तो अब आप देखो ये मिल रहा है बी से रिंग वॉर्म, यहाँ रिंग वॉर्म आ रहा है, और फिर डी में क्या आ रहा है बहुचेरिया के रूप में। तो इसका मतलब आपके पास चार, थोड़ा मिलाना पड़ेगा और कुछ नहीं है, दाद और बहुचेरिया वाला आपको मालूम है इसमें ये आंसर चला जाता है। तो इसका मतलब इसमें चार वाला है, थोड़ा टाइम ले लिया इसने, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको देखेंगे नहीं तो मिलेंगे नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि एक को आप मैच करवाने की कोशिश करना, मैच करता है तो बेटर है, टाइम बच जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट, मूड अल्टरनेटिंग ड्रग्स आर कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर मूड परिवर्तन दवाएं किसमें रखी गई है, साइकोट्रॉपिक रूप से है, और इसीलिए आप जानते हैं ये साइकोट्रॉपिक में जैसे कि टॉस के रूप में आप जानते हैं ये है, तो ट्राइकेंजर एफ्यूएड स्टिमुलेट, कि यहाँ पर जैसे मान लो ये एक साइकोट्रॉपिक मूड अल्टरिंग के रूप में होती है, और वो एक तरह से आपको मालूम है हेलुसिनोजेनिक में दूसरा कौन सा होता है, तो वो एक तरह से दूसरा वाला पॉइंट है। अब उसके बाद देखो कॉजेटिव एजेंट ऑफ ब्लड फ्लू, आपने देखा एनसीईआरटी में सिर्फ नाम दे रखा है कि आप जानते हैं कि ब्लड फ्लू किससे फैलता है, इसका मतलब वहाँ आंसर नहीं दे रखा है लेकिन पूछ रखा है, इसका मतलब H5N1 यहाँ आंसर चला जाता है। उसके बाद देखो यहाँ से आया सर्डेल इज ए न्यू ब्रीड ऑफ सिप डेवलप्ड इन टू द पंजाब बाय द क्रॉसिंग बीकानेरी एव्स एंड मेरिनोरम्स इज रिजल्ट ऑफ विच ब्रीड मेथड, आप अच्छी तरह जानते हो एनसीईआरटी में क्रॉस प्रजनन के रूप में या फिर क्रॉस ब्रीड के रूप में इसको आंसर दे रखा है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ एनी बी विच हैव द हाई न्यूट्रिएंटी वैल्यू एंड ऑल्सो यूज इन लाइक इन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इन्हें का मतलब है कि मधुमक्खी का उत्पादन जिसे पौष्टिक की मात्रा में उच्च मात्रा में लिया जाता है, इससे एक औषधि पौराणिक तंत्र के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, वो बेटा शहद ही है। हनी को आपको मालूम है आयुर्वेद में काफ़ी दवाइयों को मिक्स करके यहाँ यूज किया जाता है, इसका मतलब तीन नंबर आंसर चला जाता है। उसके बाद में देखो मिल्क इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट इज प्राइमरी डिपेंड, डेयरी फार्म प्रबंध में दूध उत्पादन के प्राथमिक रूप से किस पर निर्भर करता है, आपको मालूम है सबसे पहले नस्ल अच्छी होनी चाहिए, और एनसीईआरटी की लाइन है बेटा कि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स मस्ट बी गुड, और ये फर्स्ट ही है, आगे जाने की वैसे जरूरत भी नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। क्षेत्र की जलवायु स्थिति के तहत कम पैदावार क्षमता, ऐसा हो नहीं सकता। पशुओं को भोजन वैज्ञानिक तरीके से नहीं दिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जब ये हो नहीं सकता तो इसका मतलब साइंटिफिक रूप से नहीं दिया जाना, ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब तीन यहाँ पर नहीं है। तो ये वैसे भी तो यहाँ आपको मालूम है ये नहीं हो सकता क्योंकि तीन नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद में कह रहा है ये वाला पॉइंट है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर लो अगर मान लो अगर उसकी इल्ड हो जाएगी तो वैसे अगर बढ़ हो जाएगी तो आंसर कौन सा चला गया, फर्स्ट, इसमें आंसर एक चला जाता है। फिर देखो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन ऑफ दीज, अंग प्रत्यारोपण से संबंधित निम्न चार कथनों को पढ़े तथा इनमें सही कथन का चुनाव करें। पहला बेटा कह रहा है इसमें देखो आप जानते हो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हर बार नीट में यहाँ पर रिजेक्टेशन के रूप में आती है, तो ये कह रहा है कि रोपण के अस्वीकार करने में बी लिम्फोसाइट, ये तो गलत हो गया। फिर यहाँ कह रहा है सेल मीडिएटेड CMI, तो इसका मतलब ये वाला सही है बी। फिर अंग प्रत्यारोपण सही है तथा उसको लंबे समय तक एक यहाँ पर इम्यूनोसप्रेस्ड ड्रग दी जाती है, ये भी सही हुआ। फिर कहता है कोर्निया का प्रत्यारोपण सफल दर कम है जबकि इसकी तो हाई है, ये वैसे गलत हो गया। तो देखो क्या क्या गया कि द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रेस्पॉन्स टू द क्या रेस्पॉन्सिबल फॉर द लाइक रिजेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट, इसका मतलब भी सही है। और उसके बाद में यहाँ कह रहा है इवन एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज द प्रॉपर फॉर द लाइक मे बी नीड टू टेक इम्यूनो सप्रेस्ड फॉर द लॉन्ग टाइम, इसका मतलब बी और सी आपके पास दूसरे में आ रहा है, दो आंसर चला जाएगा। फिर देखो एवरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक बॉज, आप देखो यहाँ से क्या बिकॉज क्यों है ऐसा, एक हर प्रतिरक्षी विशिष्ट होती है क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे मान लो आपने देखा, अब आप वाई शेप जानते ही हैं इस प्रकार से, तो इसमें पेराटोप और एपिटोप का रिलेशन होना है,
क्योंकि एंटीबॉडी एक एंटीजन के साथ रिएक्ट करती है, उसे एंटीजन एंटीबॉडी, इसे की एंड लॉक मेथड के रूप से जानते हैं। जैसे कि एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन आपस में मिक्स करता है, तो उसमें स्पेसिफिक क्या होता है कि हर प्रतिरक्षी विशिष्ट क्यों होती है, क्योंकि उसमें हर प्रकार के, यहाँ देखे एपिटोप के लिए हर एक प्रतिरक्षी विशिष्ट पैराटोप पर बनाया जाता है। तो यही आंसर है कि पैराटोप इज स्पेसिफिक डिजाइन फॉर द ईच टाइप ऑफ एपिटोप इन एवरी एंटीबॉडी, ठीक है ना। क्योंकि देखो अब इनको अपन डिटेल में नहीं ले सकते बेटा, एग्जाम टाइम में ये चीज़ें तुम्हें पहले से ही, एपिटोप क्या होता है, पैराटोप क्या होता है, ये तो आनी चाहिए, ठीक है ना। और आप जानते ही हैं पैराटोप क्या है, एपिटोप क्या है। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी लिम्फोसाइड ऑर्गन कंसिस्ट 50% पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। आप जानते हैं एनसीईआरटी में जैसे लिम्फेटिक टिश्यू वाला डायग्राम बना, उसका लास्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन देखते हैं तो माल्ट जिसे बोलते हैं वो कितना परसेंट होता है, 50% होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर माल्ट है ना, यहाँ इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है ना, म्यूकोसल एसोसिएट लिम्फेटिक टिश्यू के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ आया, ये आ सकता है, ध्यान रखें, मल्टीपल ओविलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर तकनीकी किसका सुधार है। तो आप जानते हो बेटा कि जो गौ पशु हैं इसके रूप में इसका यूज करते हैं। फिर MOET है ना, मल्टी ओवुलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर में यहाँ पर किसका इंजेक्शन देना होता है, किस हार्मोन का, FSH का। फिर सामान्य प्रतिचक्र में एक अंडे में तुलना में 6 से कितने 8 अंडे यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और कितनी कोशिकाएं, 8 से, जैसे आपको मालूम है 32 कोशिकाएं। तो इसको पूरा कर लिया आपने, तो इसको मैच करवा देते हैं। यहाँ हो गया कौन सा, एड के रूप में आप देख लेते हैं, यहाँ FSH के रूप में देख लेते हैं, यहाँ 6 से 8 6 to 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया बेटा 8 to 32 के रूप में। अब मैच करवाओ, देखो यहाँ पर ब्रीड आया लेकिन LH ये गलत हो गया, यहाँ हीड आया और उसके बाद में FSH 6 to 8 ये वैसे गलत हो गया, यहाँ पर आया एड और FSH सही है, और यहाँ पर आया लेकिन यहाँ क्या कर दिया 8 to 16, जबकि NCERT में क्या है 8 to 32, इसका मतलब फॉर आंसर चला जाता है। फिर देखो विलियम हार्वे इज अ नॉन फॉर, विलियम हार्वे किसके लिए जाने जाते हैं, खुले परिसंचरण तंत्र की खोजने के कारण। नहीं बेटा, इन्होंने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी, ना कि ओपन की, इसका मतलब गलत हो गया। फिर डिस्कवर्ड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, बिल्कुल सही बात है। टू डेमोस्ट्रेट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज द पर्सन हैविंग इंक्रीजिंग ब्लैक बाइल, ये भी इन्होंने कहा। टू डिस्कवर्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मतलब बी सी और डी यहाँ पर आंसर आ रहे हैं, ये 2 नंबर में है। कहने का मतलब इन्होंने खुले की नहीं की थी, बाकी देखो खुले परिसंचरण की नहीं की, अच्छे शरीर दर्व परिकल्पनाओं को अप्रमाणित करने के लिए यहाँ इन्होंने कहा ऐसा। एक व्यक्ति के सामान्य ताप का प्रदर्शन जिसे बड़ा हुआ हो तो काला पित्त माना गया, बिल्कुल सही बात है, कोई खास नहीं है। और बंद परिसंचरण तंत्र की खोजने के रूप में जिम्मेदारी, तो आप समझ गए यहाँ पर आंसर आपके पास कौन सा आ गया, बी सी एंड डी। और मुझे काफ़ी उम्मीद है अच्छा गया होगा, और वैसे हेल्थ एंड डिजीज और एनिमल हस्बेंड्री दोनों यहाँ मिले हुए हैं फूड प्रोटेक्शन वाले, और काफ़ी अच्छा पेपर गया होगा। थोड़ा सा आप अच्छी तरह मन लगा के तैयारी करें, हार नहीं माने, कोई नहीं आता है तो उसको दोबारा देख ले, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई देखने वाली बात है बेटा, क्योंकि वैसे भी चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है ही, आप जानते ही हो। थोड़ा सा ढंग से तैयारी के साथ लगे रहें, अच्छी कर रहे हैं, थोड़ी और मेहनत करें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और मुझे उम्मीद है अच्छा खासा किया होगा। ओके, जय CLC, विजय CLC, थैंक यू।